दोस्तों, हमारे कल्चर में हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई सेलिब्रेशन मनाया जाता है और मैक्सिमम सेलिब्रेशंस को किसी ना किसी देवी या देवता से जोड़ा गया है ताकि वो खास दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट ही बनकर ना रह जाए, बल्कि वो हमें ईश्वर, उस डिवाइन पावर से जुड़ने में भी मदद करे, हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना को बढ़ाए और हमें बेहतर इंसान बनाए। यही सबसे खूबसूरत बात है हमारे इंडियन कल्चर की। चाहे वो नवरात्रों में गरबा की धूम हो, सावन में शिव के धामों की यात्रा हो, या गणेश उत्सव में गणपति बप्पा मोरया की गूंज हो, इन दिनों में लोग जितना सोशली और फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं उतनी ही भक्ति भी करते हैं। ये तो बात हुई भक्ति और सेलिब्रेशंस के कॉम्बिनेशन की। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने एक और बात का ध्यान रखा, अगर लोगों को चेंज के लिए घर से निकलना हो, घूमना फिरना हो, तो वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे उनका न सिर्फ चेंज हो बल्कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो, और इसीलिए नियम बनाए गए तीर्थ यात्राओं के। ऐसी कितनी ही तीर्थ यात्राएं हमारी संस्कृति में प्रचलित हैं जिनको करने के लिए लोग घर से निकल पड़ते हैं, और ऐसे लोग भी निकलते हैं जो किसी ना किसी बहाने को लेकर कभी घर छोड़ते ही नहीं थे। ये तो आप भी मानेंगे कि घर के बड़े बूढ़े जो कहीं घर से बाहर जाने को तैयार नहीं होते, बात बात पर कमर और घुटनों के दर्द का बहाना दे देते थे, वो भी भगवान के नाम पर तीर्थ यात्राओं के लिए सारे दुख सारे दर्द भूल कर खुशी खुशी चल पड़ते हैं। यही महत्व है तीर्थ यात्राओं का, वो आपकी भक्ति के साथ साथ आपकी विल पावर को भी बढ़ाती है। इनके कारण घर से निकलकर हमारा माइंड चेंज होता है, आबोहवा बदलती है, ऊपर से भक्ति भी बढ़ती है। चार धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, देवी माँ के सिद्ध पीठों की यात्रा, महाराष्ट्र में वारकरी यात्रा और अष्टविनायक यात्रा, ऐसी ही कुछ तीर्थ यात्राएं हैं जो लोगों को न सिर्फ अपनी रूटीन लाइफ से, सांसारिक जिम्मेदारियों से कुछ दिनों की राहत देती हैं बल्कि उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कराती हैं, उन्हें ईश्वर से जोड़ती हैं और उनकी भक्ति बढ़ाती हैं। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हम आपको ऐसी ही एक तीर्थ यात्रा कराने जा रहे हैं जो भगवान श्री गणेश से जुड़ी है, जो तीर्थ यात्रा महाराष्ट्र की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो महत्व शिव भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का है, देवी भक्तों के लिए देवी माँ के 52 सिद्ध शक्ति पीठों की यात्रा का है, वही महत्व गणपति के भक्तों के लिए इस यात्रा का है। इस यात्रा का नाम है अष्ट विनायक यात्रा। श्री गणेश भगवान का हिंदू धर्म में बड़ा ऊंचा स्थान है। श्री गणेश देवों के देव महादेव शंकर जी और माता पार्वती की संतान है, लेकिन उनका महत्व बस इतना ही नहीं है। गणपति सारे गणों देवी देवताओं के अधिपति हैं, इन्हें सारे देवताओं में प्रधान देव कहा जाता है। गणपति, गजानन, विनायक, एकदंत, विघ्नहर्ता, ये सभी नाम उन्हीं के हैं जो उनके किसी न किसी गुण को बताते हैं। कोई भी अच्छा काम करने से पहले या किसी भी तरह की पूजा पाठ करने से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है उनका नाम लेकर जो काम शुरू किया जाता है उसमें कोई अड़चन, कोई ऑब्स्टिकल, कोई बाधा नहीं आती और उसमें हमें पूरी तरह से कामयाबी मिलती है। दोस्तों, इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री गणेश भगवान के 8 सिद्ध रूपों की पूरी जानकारी, जिन्हें अष्टविनायक के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं अष्टविनायक की यात्रा जो गणपति जी की है सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा कहलाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अष्ट का मतलब होता है 8 और विनायक नाम है श्री गणेश जी का। इस तरह अष्टविनायक 8 विनायक यानी श्री गणेश भगवान के 8 अलग अलग स्वरूपों का कलेक्टिव टर्म है। दोस्तों, महाराष्ट्र में पुणे शहर के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस यानी परिधि के अंदर ही ये 8 मंदिर बने हुए हैं। हर मंदिर में गणेश जी का एक स्वरूप स्थापित है। जब इन सभी 8 मंदिरों की एक साथ यात्रा की जाती है तो वो अष्ट विनायक यात्रा कहलाती है। अष्ट विनायक यात्रा का क्या महत्व है, इसे करने के
क्या नियम है, इन्हें कैसे किया जाता है, ये 8 मंदिर कहाँ कहाँ हैं, इनके श्री गणपति का कैसा स्वरूप है, उनकी कथा क्या है, इन्हीं सब बातों की जानकारी आपको इस शो के आगे के एपिसोड्स में मिलेगी। तो दोस्तों, सुनते रहिए कहानी।